सब लोग कहते हैं कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, पर गीता में कहा गया है कि कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, तो सही क्या है आप बता दें, ये प्रश्न किया है। निश्चित बात सच यही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जीव तुम्हारे अधिकार में सिर्फ कर्म आता है कि तुम कर्म करो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल की बात जब आएगी तो ये मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हें फल दूंगा, ये मेरा कार्य है। लेकिन यहां पर जो लिखा है कि सब लोग कहते हैं जो सब कुछ भगवान ने, सब भगवान की मर्जी से होता है, तो फल देंगे तो भगवान ही ना, मर्जी तो उन्हीं की चलेगी, अंधत्व गत्वा सिग्नेचर तो उन्हीं की चलेंगे, कर्म हम करेंगे लेकिन सिग्नेचर तो उन्हीं का चलेगा। दूसरी एक और बात है, आपका जन्म आपके सुख शुरुआत में जो भी हम लोग जीवन में जीते हैं ये पिछले जन्मों के कर्म का ही प्रभाव है। मर्जी भगवान की ही है, प्रधानता कर्म की है, भगवान ने हमें स्वतंत्र छोड़ा है कि तुम कर्म करो, उस कर्म का फल मैं दूंगा तुम्हें। इसमें कोई दोरा नहीं कि हमें कर्म का फल ही मिलना है, भगवान की मर्जी। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है, हम भगवान का भजन करके क्या करेंगे, जब कर्म ही करना है तो भजन का क्या मतलब है। बोले सुनो एक और अर्थ समझो, भागवत में अजामिल की कथा आती है, कर्म कैसे थे उसके, बहुत बुरे, लेकिन भगवान की मर्जी, बोले उसने नारायण नाम ले लिया, तो बोले भगवान की मर्जी हुई, बोले चलो इसने नाम ले, एक कर्म किया उसने नाम लिया, लेकिन एक कर्म अच्छा किया, बाकी के कर्म कितने बुरे किए थे। बावजूद इसके भगवान की मर्जी क्या, वो चाहते तो नरक में भी भेज सकते थे, बोले पहले वहां से धो के लाओ, ढंग से साफ करके लाओ, उनकी मर्जी चलती, वहां लेके जाओ, ढंग से ठोक पीट के लेके आओ, जब सही हो जाए तो मेरे पास लाना। लेकिन भगवान ने अपनी मर्जी चलाई, क्या मर्जी चलाई, अरे इससे पाप हो गई, कोई बात नहीं, पर अभी इसने मेरा नाम लिया तो इसके सब पाप भूल जाओ, नष्ट कर दो, जला दो, और इसे मेरे पास ले आओ। भगवान ने कल्याण कर दिया, उसकी मर्जी हो गई, भगवान की मर्जी हुई। लेकिन नाम लेने का कर्म भी उसने किया और भगवान की मर्जी से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। तो इसलिए किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे। आप दूसरों की हेल्प कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, होना तो भगवान की ही मर्जी से, भगवान का नाम लेते रहिए। और दूसरा प्रश्न है, मेरी माता बहुत दुखी रहती है, मेरे पिताजी और भाई उनको दुख देते हैं, उन्होंने दीक्षा भी ली, माताजी ने वो माला करती हैं तो वो पाखंड बोलते हैं। ओहो, भाभी भी माताजी को टॉर्चर करती हैं, कृपा करके मार्गदर्शन दें। अब तो एक ही मार्गदर्शन है कि मैं आपके घर में भाभी बन के आ जाऊं और आपकी माताजी की सेवा करूं, ये बड़े दुख का विषय है। घर घर की ये कहानी बड़ी दुखी करती है, बड़ा बुरा व्यवहार करती है। आजकल घरों में एक सबसे बड़ी समस्या जानते हो क्या है, वो ये है कि खुद तो अच्छा करते नहीं, न भजन करेंगे, न व्रत करेंगे, न तप करेंगे, न कुछ करेंगे, ऊपर से जो करेगा उसे पाखंडी और कह देंगे, ढोंगी बोल देंगे, बाबा जी हो गया ऐसा और बोल देंगे, ये दुखद है। लेकिन प्रश्न ये है कि मार्गदर्शन करें, अब मैं क्या मार्गदर्शन करूं, न तो मैं ससुर जी बन सकता, न पति, न पुत्र और न भाभी। अब शिष्य हैं इसलिए एक सलाह दे सकता हूं कि जब तक जीवन है तब तक भगवान की मर्जी समझकर कुछ भी करके सिर्फ भगवान का भजन ही करते रहो, और कोई हमारा नहीं है ये भाव धारण करो। जब ये समझ लोगे कि कोई हमारा है ही नहीं, अभी भी कहां है, अगर कोई अपना होता तो दुख देने के लिए थोड़ी होता है, कोई हमारा नहीं है ये भाव धारण कर लो,
भगवान ही हमारा है, और दुनिया चाहे पाखंडी कहे, दुनिया चाहे कुछ और कहे, हम सब करेंगे पर भगवान का भजन नहीं छोड़ेंगे। भगवान का भजन किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया में हर रिश्ता छोड़ सकते हो पर भगवान का भजन नहीं छोड़ सकते, इसलिए भगवान का भजन अहर्निश हमेशा करते रहो। हाँ जी, जी आ गए, एक और पति आ गए। मेरे पति और मैंने दीक्षा लिए हैं, अब वो भक्ति नहीं करते और ना ही मुझे करने देते हैं, वृंदावन आने से रोकते हैं, अब आप बताइए मैं क्या करूं। तो बताओ वृंदावन, अगर आप भक्ति करते हैं तो आप जहां होंगे वही वृंदावन है। आप जहां हो वही वृंदावन है, लेकिन दीक्षा लेने के बाद भी अगर कोई भक्ति करने से रोकता है तो उसने जीवन जिया नहीं है ढंग से। उसने ना तो भक्ति को समझा, ना ज्ञान को समझा, ना विवेक को समझा, विवेक तो है ही नहीं। कई लोग भावना में आके दीक्षा ले लेते हैं लेकिन उसका निर्वाहन नहीं करते हैं। पहली बात तो जब पहले दीक्षा लो तब एक बार नहीं एक करोड़ बार सोचो, और जब तक तैयार ना हो तब तक दीक्षा मत लो। और एक बार दीक्षा लेने के बाद अगर अपराध किए, ब्रह्मांड में कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। इसलिए दीक्षा लेने से पहले सोच लो जितना सोचना है, बाद में तो बस भगवान का भजन करो, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो और हमेशा सेवा में लगे रहो, भगवान की, गुरु की और समाज की। इस परिवार को भी भगवान का प्रसाद ही समझ के इसका निर्वाहन करना चाहिए। बोलो राधे राधे।